कोरोना वायरस ने एक और जान ले ली। मियां अस्पताल में कोरोना वायरस का 70 साल मुअम्मर शख्स हलाक। गुलजार कॉलोनी शादरा का रिहायशी 7 रोज से शदीद बुखार में मुबतला था। मजीद तफसीलात जानेंगे, सज्जाद काजमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद काजमी, आगाह कीजिएगा। जी मियां अस्पताल लाहौर में एक और कोरोना का पॉजिटिव मरीज जान बहक हो गया है। फतेह मोहम्मद 70 साल था, गुलजार कॉलोनी शदरा का रहायशी था, जो 7 रोज से जो बुखार में मुबतला था। प्रोफेसर असद असलम का कहना है कि घर के अंदर 7 रोज में बुखार में मुबतला रहने के बाद जो है वो मरीज को अस्पताल लाया गया, जबकि उसको वेंटिलेटर पे लेटाने के बावजूद 1 घंटे के दौरान उसकी हलाकत हो गई। जब उसका कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आया है। उनका कहना है कि लोग घरों में मरीज को ना रखें, अस्पतालों से ना डरें। अगर अपने प्यारों का इलाज कराना है तो फौरी तौर पर हमें इतला दें ताकि हम उनका इलाज मुआलजा जो है वो बर वक्त शुरू कर सकें। जी अच्छा सज्जाद काजमी, ये बताइएगा घर के दीगर अफराद का कोरोना टेस्ट किया क्या है? जी इस हवाले से तो गवर्नमेंट की वाज़ह पॉलिसी चल रही है कि जैसे ही घर के किसी फर्द का भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो ना सिर्फ तमाम घर वालों के फौरी तौर पर टेस्ट किए जाते हैं बल्कि दीगर मोहल्लादारों और उनसे मेल जोल रखने वाले, यहाँ तक कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री ली जाती है कि वो इन दिनों में किससे ज्यादा मेल मिलाप रखा गया है और कहाँ पे जाता रहा है, कहाँ से आता रहा है, तो उन तमाम अफराद के भी टेस्ट किए जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।